स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह के इस्तीफे पर पहली बार बोले अखिलेश ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह के आने से लड़ाई आसान हुई। समाजवादी पार्टी में आने वाले नेताओं का स्वागत। भला हो नौजवानों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, रोजगार के अवसर जो कारोबार से बन सकते हैं हो सकते हैं उन तरफ लेकर के जाएं। और जनता याद करिए किस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, किस तरीके से पुलिस को डायल 100 दिया गया था, किस तरीके से समाजवादी पेंशन मिली, ये तमाम चीज़ों को मिलते हुए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बन। अखिलेश यादव ने कहा पहले और दूसरे चरण की लिस्ट 2 से 3 दिनों में जारी की जाएगी। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और हर फेसेस के चुनाव हैं, बहुत जल्दी नॉमिनेशन से पहले लगातार नाम आएंगे क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैदान में लड़ने की पाबंदी लग गई है। बहुत जल्दी फर्स्ट और सेकंड फेज की सूची आ जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी, धार्मिक भावनाएं भड़काने पर कोर्ट का आदेश। 7 साल से चल रहा धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा, बसपा में रहते मौर्य ने दिया था पूजा ना करने का बयान, 24 जनवरी को होगी सुनवाई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आज यूपी सरकार के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बात को लड़ता रहा, अपनी बात को मैं कहता रहा कि जिस पिछड़े समाज के नाते, जिस दलित समाज, वंचित समाज के जो उपेक्षित थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से इतना बड़ा मैंडेट मिला, सरकार बनी और उनको हम 2017 चुनाव से पहले दारा सिंह बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पूर्वांचल में पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं दारा सिंह। मऊ जिले की मधुबन सीट से विधायक दारा सिंह।